ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो दरअसल ऐसा है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है, तो इसकी स्पेस में एक फिक्स पोजीशन और मोमेंटम होगी। ठीक है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन रिसेंटली ये पता चल रहा है, क्लासिकल व्यू से अगर हम बात करें, तो एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है जो अप्रिशिएबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सही है, लेकिन अगर एटॉमिक डायमेंशन की बात करें तो उसके लिए सही नहीं है। यानी छोटे पार्टिकल्स के लिए वो सही नहीं है। अब क्योंकि एक मूविंग पार्टिकल अगर है, तो उसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव ग्रुप के जैसा मानते हैं। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि ये डी ब्रॉगली वेव ग्रुप के जैसा होगा। तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एक लिमिट होगी। बॉर्न के प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के अनुसार, बॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने एक अपना प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन दिया था, उसके अनुसार वेव ग्रुप जो ग्रुप वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें पार्टिकल को कहीं भी ढूंढा जा सकता है। ठीक है, एक वेव का ग्रुप है जो ग्रुप वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप आसानी से पार्टिकल को ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे है। अगर ग्रुप को नैरो मानते हैं, तो पार्टिकल की पोजीशन को आसानी से आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन उसके वेलोसिटी या मोमेंटम को कैलकुलेट करने की अनसर्टेनिटी तब बढ़ जाती है। जबकि यदि आप इसको नैरो मान रहे थे अभी, अगर आप इसको वाइड मानोगे, तो फिर वाइड मानने से मोमेंटम आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन पार्टिकल के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, यानी अनसर्टेनिटी होगी। तो हाइजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया कि किसी मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाला जा सकता। यदि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो डेल एक्स पोजीशन के मेजरमेंट में एरर होगा और डेल पी मोमेंटम के मेजरमेंट में एरर है। तो डेल एक्स डेल पी जो है, ये एच के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया गया। ठीक है, यदि डेल एक्स और डेल पी आरएमएस डेविएशन हो और ऑप्टिमम मेजरमेंट प्रोसीजर एज्यूम किया जाए, तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें हम एच अपॉन 4 पाई या एच क्रॉस अपॉन 2 लिखेंगे। तो एच क्रॉस यहाँ पे इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होगा, और आपका जो डेल एक्स है, डेल पी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मल्टीपल है, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्म कहलाता है, और ये आपको बताता है कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी डेल एक्स जो पोजीशन बॉडी के पोजीशन का है, और अनसर्टेनिटी डेल पी जो मोमेंटम का है किसी भी इंस्टेंट पे, ये किसके बराबर होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। हम एक साथ पोजिशन मोमेंटम को परफेक्ट एक्यूरेसी से कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है, ये हमको बताता है कि हम आसानी से पार्टिकल को लोकेट कर सकते हैं अगर डेल एक्स 0 हुआ तो, लेकिन सिर्फ तभी जब मोमेंटम जो है वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रिलेशन जो ये जो हमने डिस्कस किया है, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन और मोमेंटम के लिए एप्लीकेबल है। अनसर्टेनिटी रिलेशन कभी भी पेयर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में नहीं होता है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर पेयर्स के बीच में ही होता है। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन पोजीशन मोमेंटम एनर्जी टाइम एंगुलर मोमेंटम एंगल इनके बीच में होते हैं। ये सारे रिलेशन जो है आपको इसी फॉर्म पे मिलेंगे, इस वाले इक्वेशन के ही फॉर्म पे आपको मिलेंगे। तो अगर वो टाइम जब एक सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो डेल्टा टी से बड़ा नहीं है, तो फिर जो एनर्जी है स्टेट का विद इन डेल ई, अगर हम कहते हैं, तो डेल ई इन टू डेल टी हम तब लिखेंगे इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में 10^-8 सेकेंड के लिए रहता है, तो जो अनसर्टेनिटी होगी एनर्जी में, वो होगी डेल ई इज इक्वल्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 1 अपॉन
डेल टी, और दिस इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इन टू 10^-8। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 6.62 × 10^-34 इंटू 10^8 अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो इसके कैलकुलेशन से आपको यहाँ पे मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू कुछ 0.527 × 10^-26 जूल। और आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड कर लेना 1.6 × 10^-19 से। अनसर्टेनिटी आसानी से हम समझ सकते हैं अगर हम डिफ्रैक्शन देखें स्लिट से। सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम एक स्लिट में से लाइट रेज को पास करवाते हैं, ये हमारा डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट होता है जो ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है आपका ये डेल एक्स है ये, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आती है वैल्यू डेल पी कुछ यहाँ पे इस तरीके से। आपको पैटर्न मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल अल्फा से डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पास करवा रहे हैं स्लिट से, और जो ऑब्जर्वेशन है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो साइमल्टेनियस मेजरमेंट पोजीशन और मोमेंटम का होता है, अगर कॉर्पसल थ्योरी, न्यूटन का कॉर्पसल थ्योरी अगर हम मानते हैं तो। तो जो ब्रेड्थ है स्लिट की या विड्थ है वो अनसर्टेनिटी डेल एक्स को बताती है स्पेसिफिक पोजिशन में जो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट के। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको ये अलाउ करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पास हो गया है स्लिट से किस प्लेस पे स्लिट है, तो जो पैसेज है वो इनडेफिनिट होगा, ठीक है। और अगर हम कॉर्पसल थ्योरी की माने तो जो ऑकरेंस है डिफ्रैक्शन पैटर्न का स्क्रीन में, उसको हम समझ सकते हैं उस सेंस से भी कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन को सफ़र करते हैं स्लिट पे, या अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स। तो इससे जो मोमेंटम है वो परपेंडिकुलर होता है ओरिजिनल डायरेक्शन के। मीन वैल्यू डेल पी की इस फिगर में डेल पी इज इक्वल्स टू, जब एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है तो हम निकालते हैं डेल पी इज इक्वल्स टू पी साइन अल्फा, अगर अल्फा आपका मीन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो। तो हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्लेक्शन की मदद से या वेव रिप्रेजेंटेशन की मदद से, जो अल्फा को कनेक्ट करता है विड्थ ऑफ स्लिट से और वेवलेंथ से, या लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी का फॉर्मूला हम दरअसल यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका डेल पी इज इक्वल्स टू पी साइन अल्फा, या हम यहाँ पे क्या लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू पी लैम्डा अपॉन डेल एक्स, या फिर पी अपॉन डेल एक्स एच अपॉन पी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये आएगा हमारे पास एच अपॉन डेल एक्स। ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।